आपको पता है कि दैट जिस तरीके से 8th का प्रोसेशन हम लोगों ने सक्सेसफुली और पीसफुली कंक्लूड किया, सिमिलरली जो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि दैट 10th मुहर्रम अशूरा का जो प्रोसेशन है वो उसका रूट जो है गुलशन बाग से स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड इन द जड़ीबल शमसुद्दीन इराकी के जो उनके जो इमामबाड़ा वहाँ तक टर्मिनेट होगा, उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर आप एक बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, चाहे वॉशरूम्स हो, टॉयलेट हो, पानी का व्यवस्था हो या स्प्रिंकलर्स का हो, मेडिकल कैंप्स का हो, ब्लड डोनेशन कैंप्स आपने देखे हमने लगाए हुए हैं, दे आर ऑल इन प्लेस। ट्रैफिक एडवाइजरीज को इशू किया गया है ताकि आम बंदे को कोई इशू ना हो, और कम्युनिटी की जानिब से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने अपना स्टॉल्स लगाए हैं और टू केटर द जो, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेशन आज़ादार हैं, उनको कंफर्टेबल करने के लिए ताकि दे कैन फुलफिल देयर जो रिलीजियस डिवोशन है उनका जो 10th अशूरा में होता है वो करे अच्छे से, वो कंफर्टेबली रहे और उनकी सारी फैसिलिटीज़ मिले यहाँ पर। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कम्युनिटी भी आगे आई है, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं जिसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, जूसेस, जो भी रिक्वायरमेंट है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसको केटर करने के लिए वी आर ऑन द सेम पे, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। पर इंतज़ामिया के सारे जो मुलाजम हैं और हमने जिनको ड्यूटी दी है, मजिस्ट्रेट्स हैं, वो प्रेजेंट है यहाँ पर और आज़ादारों के साथ साथ खड़े हैं। हम भी यहाँ पर हैं, हमने देखा कि ड्यूकाउ साहब भी यहाँ आए थे। सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत अच्छे से हैं, SSP साहब ने उनको उसके चीज़ का खास ख्याल रखा है। लोगों से हमने यहाँ पर बात की है, चाहे स्कॉलर्स की हम बात करिए, उनका कहना है कि पहली बार हमें ऐसा सपोर्ट देखने को मिल रहा है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन यही है कि दैट हम लोग जो भी प्रोसेशन निकला, चाहे 8th का हो निकले, चाहे 10th का जो इसको परमिशन मिला है, उसको विद इन द जो हम डूज एंड डोंट्स रखते हैं उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाए। और हमारी पूरी कोशिश रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की, इंतज़ामिया की और पुलिस की जानिब से भी, कि दैट हम एंगेज करें स्टेक होल्डर्स साथ बहुत पहले से ही, ताकि हम इस प्रोसेशन को पीसफुली और प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, तो उस चीज़ को हम हमेशा रखते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दैट जो हम परमिशन देते हैं डूज़ एंड डोंट्स का, उसका कतई ही ये मतलब नहीं है कि दैट कोई आज़ादार अपनी रिलीजियस कोई दीनी एतबार पर उस पर कोई रुकावट नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ के लिए होता है क्योंकि गैदरिंग बहुत होती है, हम लोग कोशिश करते हैं दैट इससे जो नॉर्मल जो हमारे पब्लिक सर्विस है वो धरम भरम ना हो जाए, एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट दीनी एतबार पर हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन ना हम करते हैं ना हम करेंगे। थैंक यू। देखिए, पहले तो यही है कि मैसेज यही है कि दैट 10th मुहर्रम का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डे है जिसमें हम वी रिमेम्बर द सेक्रीफाइस, और उसका मैसेज जो जाता है जो हमारे साथ, मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जो हम अपने यहाँ पर जो अपने आसपास के जो डाउन ट्रोडन हैं, जो गरीब हैं या ऐसे लोग जिनकी हमारी ज़रूरत है, आई थिंक वी शुड रीच टू देम एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैसेज ऑफ दिस 10th अशूरा। और मुझे लगता है जिस तरीके से लोग यहाँ पर एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, असद मॉर्नर जो असद आज़ादार है उनके साथ साथ खड़े हैं, उनको फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, उनको जो भी कंफर्टेबली उनको रख रहे हैं, तो मुझे लगता है दिस इज़ इटसेल्फ इज़ अ बिग मैसेज। और कि जिस तरीके से सारी कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है, सब एक मिला जुला के, मुझे लगता है दिस इज़ अ बिग मैसेज फॉर अस, दिस इज़ फॉर व्हाट कश्मीर इज़ ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिमेम्बर्ड पीसफुली। हम लोग इस जो ये सब चीज़ें हो रही है, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द जो भी यहाँ पर इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें मैनेज करते हैं, और उनका भी कहते उन्होंने डूज एंड डोंट्स का खास ख्याल रखा है विद रिस्पेक्ट टू द जो हम परमिशन में दिया था, एंड आई एम होपफुल इंशाल्लाह दैट इट विल आल्सो बी डन पीसफुली। थैंक यू।